अब चलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जिसका नाम है रेडियो एक्टिविटी और इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि कौन से रेडियो एक्टिव सबस्टांस होते हैं जिसके अंदर से रेडिएशन निकलती हैं और क्यों उनको रेडियो एक्टिव कहा जाता है स्टूडेंट्स रेडियो एक्टिविटी सबसे पहले डिस्कवर हुई थी पेरिस में और ये डिस्कवर करने वाला जो साइंटिस्ट था स्टूडेंट्स उसका नाम था हेनरी बेकरल इन 1896 जब वो एक रिसर्च कंडक्ट कर रहे थे जिसके अंदर वो ऑब्ज़र्व कर रहे थे एक्स रेस के इफ़ेक्ट को किसके ऊपर यूरेनियम कंपाउंड्स के ऊपर यानी कि यूरेनियम जो एलिमेंट है उसके ऊपर वो एक्स रेस की बम्बार्डमेंट को ऑब्ज़र्व कर रहे थे और इस बम्बार्डमेंट के बाद उन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि जो सब्सटेंस है अगर एक्स रेस के आगे रखा जाए और उसके साथ उसको बम्बार्ड कराया जाए तो वो ग्लो करता है और अगर उसको एक्स रेस से हटा दिया जाए यानी कि एक्स के सामने उसकी जो इंटरेक्शन है वो खत्म हो जाए तो उसके बाद भी वो ग्लो करना कॉन्टिन्यू ही रखेगा बेशक हम लोग मशीन को स्विच ऑफ कर दें या बंद कर दें ही वॉन्टिड टू नो इफ़ द रिवर्स इफेक्ट वाट पॉसिबल वो चाहते थे कि इसका रिवर्स इफेक्ट भी पॉसिबल है या नहीं नेमली एमिशन ऑफ एक्स रेज आफ्टर द सब्स्टांसिस हैड बीन एक्सपोज टू स्ट्रांग सनलाइट कि अगर हम लोग एक्स सब्सटांस को क्या एक्स एमिशन को क्या स्ट्रॉन्ग सनलाइट से भी रिक्वायर्ड कर सकते हैं एक्वायर कर सकते हैं इन रेडीनेस फॉर अ सनी डे उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया कि एक सनी डे में उन्होंने एक रैप फोटोग्राफिक प्लेट के अंदर यूरेनियम कंपाउंड को स्मॉल क्वांटिटी में डालकर एक ड्रॉर के अंदर रख दिया उस दिन हमारे पास जो टेम्परेचर था वो नॉर्मल था नॉर्मल सनी डे था उस कंपाउंड को कुछ दिनों के बाद जब उन्होंने देखा तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो प्लेट्स हैं वो क्या कर रही हैं स्टूडेंट्स फेंट इमेज दे रही हैं किसका कंपाउंड का जो कंपाउंड फोटोग्राफिक प्लेट के अंदर पड़ा हुआ था उस फोटोग्राफिक प्लेट के अंदर कुछ इमेजेस थी किसकी कंपाउंड की वो सरप्राइज हुए इस चीज़ से जब उन्होंने फाउंड किया क्या चीज़ की जो वेरी स्ट्रांग इमेज है काफ़ी टाइम के बाद वो फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर बनती है अब जब उन्होंने ये चीज़ देखी कि यूरेनियम कंपाउंड की फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर इमेज जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है उन्होंने रियलाइज़ किया कि जो यूरेनियम कंपाउंड है स्टूडेंट्स वो किसी फॉर्म की एनर्जीज को रेडिएट कर रहा है या एमिट कर रहा है विदाउट हैविंग एक्सपोज टू सनलाइट यानी कि यूरेनियम को सन में भी नहीं रखा गया फिर भी वो क्या कर रहा है रेडिएशन्स को एमिट कर रहा है फर्दर टेस्ट के बाद उन्होंने देखा कि जो सबस्टांस रेडियश कॉन्टीन्यूसली एमिट करते हैं स्टूडेंट्स इवन की अगर उनको डार्कनेस में भी रखा जाए लॉन्ग पीरियड के लिए तो वो हमारे पास क्या कहलाते हैं स्टूडेंट्स रेडियो एक्टिव मेटीरियल ये हमारे पास जो रेडियो एक्टिव मेटीरियल होते हैं स्टूडेंट्स ये कॉन्टिन्यूसली रेडियशंस को एमिट करते रहते हैं नेचुरली कि इनको किसी भी लाइट के आगे एक्सपोज ना भी करें तो इनमें से रेडिएशन कॉन्टिन्यूसली निकलती रहती हैं फर्दर अगर हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट्स रेडियो एक्टिविटी की डेफिनेशन की तो एक ऐसा प्रोसेस है ऐसा फिनमिना है जिसके अंदर क्या होता है स्पॉन्टेनियस डिसइंटिग्रेशन ऑफ हैवियर एलिमेंट्स कि जो हैवियर एलिमेंट्स होते हैं लाइटर की बात नहीं की जा रही यहाँ पर यूनियम जो हैवियर पार्टिकल है हेवियर एलिमेंट है उसके बारे में बात करेंगे कि जब उसकी डिसइंटिग्रेशन होती है उसको तोड़ा जाता है स्टूडेंट्स लाइटर एलिमेंट्स के अंदर तो वो क्या करता है तीन तरह की रेडिएशंस एमिट करता है जिनको हम लोग रेडियो एक्टिव रेडिएशंस कहते हैं या फिर रेडियो एक्टिविटी कहते हैं अब वो तीन तरह की रेडियशंस क्या होती है हमारे पास अल्फा पार्टिकल्स की फॉर्म में बीटा पार्टिकल्स की फॉर्म में और गैमा पार्टिकल्स की फॉर्म में अब जो एलिमेंट्स इन प्रॉपर्टीज को प्रोजेस करते हैं स्टूडेंट्स उनको क्या कहते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स अब यहाँ पर एक बात मद्देनज़र रखी जाए कि जो हमारे पास हैवियर एलिमेंट्स होते हैं उनका जो अटोमिक नंबर होता है वो ग्रेटर होना चाहिए एटी टू से तभी वो रेडियो एक्टिव कैटेगरी में आते हैं अब कुछ प्रॉपर्टीज की बात करेंगे किसकी पार्टिकल्स की जो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स एमिट करते हैं सबसे पहले आता है हमारे पास अल्फा पार्टिकल्स जिसके अंदर हमारे पास दो फोटॉन्स होते हैं और दो न्यूट्रॉन्स होते हैं ये हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज ही न्यूक्लाय भी खिलाया जाता है जो अल्फ़ा पार्टिकल होता है वो बड़े ही लार्ज अनस्टेबल न्यूक्लियस से निकलता है अल्फा रेडिएशन को हम लोग इजीली स्टॉप कर सकते हैं रोक सकते हैं कब्ब के जरिए या फिर किसी भी थिन मेटल पतले से मेटल सब्सटेंस के जरिए हम उसको रोक सकते हैं क्यूं? क्यों क्योंकि इसकी जो रेंज होती है एयर के अंदर वो फ्यू सेंटीमीटर्स होती है और जहां जहां से अल्फ़ा पार्टिकल्स गुजरती हैं स्टूडेंट्स वहां वहां से एयर मोलिक्यूल्स जो हैं वो आयोनाइज होते जाते हैं और जो पार्टिकल्स की अदर टाइप्स हैं बीटा और गैमा ये अल्फ़ा पार्टिकल्स उनसे ज़्यादा स्ट्रॉग होती हैं बात करें अगर बीटा पार्टिकल्स की बीटा पार्टिकल्स कॉन्सिस्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर ईच एमिटेड विद अ न्यूक्लियस जितने भी न्यूक्लियस से एमिट हो रहे हैं इसकी वजह से क्या होता है बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रॉन्स जो है वो डिसइंटीग्रेट होते हैं कोई भी न्यूट्रॉन स्टूडेंट्स वो क्या करता है न्यूक्लियस के अंदर सडनली और अनएक्सपेक्टेडली चेंज हो जाता है किसमें प्रोटॉन के अंदर इस प्रोसेस में क्या होता है एक इलेक्ट्रॉन बनता है और इंस्टेंटली एमिटेड न्यूक्लियस की वजह से प्रोटोन भी एमिट होते हैं बीटा पार्टिकल्स को हम लोग स्टॉप कर सकते हैं फाइव टू टेन मिलीमीटर सब्सटेंस ऑफ मेटल यानी कि अगर हमारे पास इतनी रेंज का इतनी लेंथ का मेटल हो तो हम लोग उसको इजीली स्टॉप कर सकते हैं इसकी रेंज एयर के अंदर वन मीटर होती है और अल्फ़ा पार्टिकल से लेस स्ट्रॉन्गली ये आयनाइज कर सकता है एयर के मॉलिक्यूल्स को गामा रेडिएशन की बात करें तो गामा रेडिएशन के अंदर हाई एनर्जी फोटॉन्स पाए जाते हैं यहाँ पर जो फोटोन होते हैं वो पैकेट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में पाए जाते हैं यानी कि कोई भी एलिमेंट जिसके अंदर से गैमा पार्टिकल्स निकल रहे हैं वो फोटोन की फॉर्म में होंगे एनर्जी की फॉर्म में होंगे अब जो गैमा फोटोन होता है स्टूडेंट्स किसी भी अगर हम लोग बात करते हैं कि एलिमेंट के अंदर से गैमा पार्टिकल्स निकल रहे हैं तो गैमा पार्टिकल्स के निकलने के साथ साथ हमारे पास वहां पर एक सरप्लस अमाउंट ऑफ एनर्जी यानी कि एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी भी एमिट होती है अल्फा और बीटा पार्टिकल्स जो होते हैं स्टूडेंट्स वो गैमा पार्टिकल से गैमा रेडिएशन से बहुत ही डिफरेंट होते हैं और गैमा रेडिएशन जो है हमारे पास ये अनचार्ज पार्टिकल्स होते हैं इसको हम लोग स्टॉप कर सकते हैं सेवरल सेंटीमीटर रॉड से या किसी भी प्लेट से इसकी इनफाइनाइट रेंज होती है एयर के अंदर और आयनाइज कर सकता है बहुत ही एयर मॉलिक्यूल्स को वीकली फॉर्म में यानी कि अगर आयोनाइजेशन की बात करें तो एयर के मॉलिक्यूल्स को बहुत ही आस्था आस्था ये क्या कर सकता है आयोनाइज कर सकता है सो so, स्टूडेंट्स इस टॉपिक में हम लोगों ने देखा कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं और उनके अंदर से रेडिएशन कैसे निकलती हैं और उनके अंदर से जो रेडिएशन निकलती हैं वो किन पार्टिकल्स की फॉर्म में होती हैं थैंक यू